beautiful energy. प्रभु शिवम प्यारी. वाह. तो अभी हम अंदर जा रहे हैं. वन गोलगप्पा फॉर यू. तो दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल डे है. आज मैं और गौरव भाई, ये गौरव भाई है इधर. तो अभी हम यहाँ इनके घर के नीचे आए हुए हैं. तो आज मैं भी नोएडा से आया हूँ. तो आज का दिन है वृंदावन जाने वाला दिन. आज हम वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ा धार्मिक जगह जा रहे हैं, कुछ अपने दिमाग की शुद्धि करने, विचारों की शुद्धि करने जाएंगे, घूमेंगे वहाँ पे. तो आज हमने कुछ चीज़ें प्लान करी हुई हैं इस ट्रिप के अंदर. तो मैं आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ आज पूरे दिन क्या क्या करते हैं. बहुत ज़्यादा भयंकर वाली धूप हो रखी है और ये फर्स्ट टाइम मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने GoPro से. तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि क्वालिटी कैसी है एज़ कम्पेयर ऑफ आईफोन. तो आज आपको वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो हम करेंगे और जो होगी वो सब चीज़ दिखाते हैं. तो आइए बने रहे. बोलो भागे बिहारी लाल की जय. तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं वृंदावन के अंदर और अभी हम होटल में अपने चेक इन करेंगे और होटल में चेक इन करने के बाद अभी हम निकलते हैं. और बहुत भयंकर वाली धूप हो रखी है, 39 टेम्परेचर हो रखा है. तो अभी शाम को ही निकलेंगे, शाम को ही घूमेंगे क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है घूमना. सनस्क्रीन भी नहीं लाया दोनों भाई लोग. लग रहा है रूम तो. हाँ किचन भी है छोटी सी. एसी ये बालकनी भी सही है देखो. तो भाई लोग रूम अपना कुछ ऐसा है और अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जाएंगे प्रेम मंदिर. प्रेम मंदिर जाएंगे ना, उसके बाद एस्कॉन टेंपल जाएंगे. हम जाएंगे घूमेंगे और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ पे फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी रूम के अंदर मुझे भगवत गीता मिली यहाँ पे. कितनी अच्छी बात है सच में. दोस्तों अभी मैं रिक्शा के अंदर हूँ और मैं गौरव भाई और अंबिका. अंबिका हमारी दोस्त है एंड शी इज़ फ्रॉम कोलंबिया. और ये इनकी स्टोरी मैं भी आपको बताऊँगा पूरी व्लॉग के अंदर. और अभी हम इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं. हेलो बोल दीजिए. से हेलो. हाय हेलो एवरीवन. यस. और बाकी की चीजें मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ. अंबिका से हेलो. आई वेट. से हेलो. हाय हेलो एवरीवन. या वेरी हैप्पी. ओके या जीते रहो. स्टे ऑलवेज हैप्पी. जीते रहो बेटा. लिव लॉन्गर ऑलवेज. राधे राधे. राधे राधे इज एवरीवेयर ऑन स्ट्रीट. यस. और यहाँ पे टेलर बैठे हुए हैं और ये वृंदावन की गलियां दिख रही हैं आपको. आप कहाँ से हो? वृंदावन से. अच्छा मुझे ऐसा लगा आप बाहर से हो, फॉरनर. आई थॉट ही इज फ्रॉम अनदर कंट्री. So that is a foreigner. Okay. See, they always do Hari Nam. That is chanting the name of the Lord in the street. Okay. So you will see many foreigners that are chanting in the street. Recently, your guru was also here. This one. Yeah. Recently, he also was. And see. So they do this Hari Nam every single day. Hari Nam, Hari Nam. भैया रुक जाओ. तो अभी हम अंदर जा रहे हैं. सो नाउ वी विल गो एंड सी द हरि नाम. लाइक हाउ वेल. व्हाट व्हाट इज दिस हरि. हरि नाम इज व्हेन वी चैंट द नेम्स ऑफ गॉड इन द स्ट्रीट. व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा इन द स्ट्रीट. ओके. सो ऑलवेज द डिवोटीज फ्रॉम आउटसाइड वेस्टर्न डिवोटीज आर चैंटिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ वृंदावन एंड एवरीवेयर लाइक इन लंदन कोलंबिया. हरिनाम. तो अभी हम अंदर जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि ये मैं फर्स्ट टाइम है मेरा. हाँ जी यूट्यूबर. तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा. आई वांट दिस प्लीज. वाओ ये बीच में रेड भी लगा. रेड मैं हो गया भैया. इसके पास है ऑलरेडी. वाओ थैंक यू.
हरे कृष्णा। अब अरे यू आर लुकिंग ऑसम, हो गया लग गया। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं देखने यहाँ पे सब फॉरनर्स कैसे डांस कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ ऐसा कि मैं देख रहा हूँ, और ना मैं बहुत बार आ चुका हूँ वृंदावन, पहली बार ये चीज कुछ देख रहा हूँ, और वो भी सिर्फ अंबिका की वजह से। मैं दिखा दूँ सामने तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी भक्ति है बाहर के लोगों में हमारे कल्चर को लेके, हमारी संस्कृति को लेके, हमारे भगवान जी को लेके कितनी ज़्यादा भक्ति है कि विदेश के सारे लोग आके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी की। ये देख के बहुत ही ज़्यादा पीस मिलती है, शांति। इट्स सो हॉट टेम्परेचर हियर। ओह इस्कॉन टेम्पल अभी हम जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या होगा। मैं भी इस्कॉन टेम्पल में भी मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। इससे पहले जब आया था तो हम दूसरे मंदिर गए थे, घर वाले थे सारे साथ में। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। यस तो ये जो भैया आ रहे हैं इनके दोस्त हैं स्पेन से। हेलो ब्रदर, आई एम शूटिंग अ व्लॉग, से हेलो। हरे कृष्णा, नाइस टू मीट यू, वी आर सो गुड। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे हैं मंदिर के अंदर, और कृष्ण जी के डिवोटी हैं, भक्त हैं, और उनसे हम मिले, और ये विदेश से हैं, ये हैं स्पेन से, और मैं आपको इनसे मिलाना चाहता हूँ। हेलो सर, हाउ इज यू? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं इन सब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि ये यहाँ पे कैसा है और इनका यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाउ इज योर एक्सपीरियंस आफ्टर कम हियर, एंड प्लीज टेल टू माई ऑडियंस प्लीज। Connection, my culture with the spiritual world, with Krishna, with God. Wow, wow, wow. This is the main thing. Whole culture embrace.
तो ये दर्शन हो गए और अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर और रिक्शा में बैठ रहे हैं। राउंड लगा के नहीं जा सकते उधर? कितने लगेंगे? 100 रुपए। आने के बाद अभी हम प्रेम मंदिर में हैं और अभी हम एंट्री गेट पर अंदर जाएंगे। हम बड़ा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से घाटा पड़ना इतना। पैसे दिया आपने, मांग रहे थे वो हैं, शर्मा गए आप भाई, शर्मा ना। रोड क्रॉस करें और सब ऐसे देखे जा रहे हैं अंबिका को जैसे जैसे कोई एलियन आ गया हमारे बीच में। दिस इज प्रेम मंदिर, टेम्पल ऑफ लव। यस, डोंट शाय। यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट दिस टेम्पल? वेरी ब्यूटीफुल। यस, दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान जी ने सिर्फ एक उंगली पे ये पूरा पहाड़ उठाया हुआ है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम अंबिका यहाँ पे गोलगप्पे खाने जा रही है, तो उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा खाने के बाद। वन गोलगप्पा फॉर यू। यस यस यस, डोंट ड्रॉप दिस वाटर, दिस इज टेस्टी। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हैविंग spicy. You don't like it? Don't lie. तो अभी रात के बजे हुए हैं 9 और हम सब हैं गोवर्धन में और अभी मैं आपको सामने से नजारा दिखाता हूँ। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। वाओ, कितना सुंदर टेम्पल है। दिस इज कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर over to Radha and Krishna. Okay. Because he was very, very in love of the pastime that in this same place, it was a garden before. Okay. So the gopis, because they were praying to Katyayani, to Durga Devi, so they came to pick up flowers to offer to Katyayani Devi so they can marry Krishna. Oh, that wow. was their desire, especially Radha Rani's desire. Wow. So one day Krishna dressed up as a gardener. Okay. And he said, no, you cannot pick up flowers here. This is my garden. Okay, okay. He was naughty with Radha and all the gopis. And they saw he was, like, the flute was here hiding. Okay. And they understood it was Krishna. And after that, like, they were like, teasing Krishna, okay, why you do that to us? We are just offering flowers so we can really love you and offer this to Katyayani Devi, to Durga Devi for you. So the king was so in touch, in love of this pastime that he created the Kusum Sarovar. Wow. In the name of love of Radha Krishna. Wow. हाँ. तो डाल दोगे जेल में? हाँ, इसी वजह से. Look at this monkey. Look at this monkey in the tree. Wow. I want to live this life. That's your goal in life. Yes. Relax. No tension. He's so relaxed. He don't want to do anything. In Hello, life. Monkey. My phone is catching. इन लंबा. अरे गिर ना जाए इधर उधर, कैसे चल रहे हैं? बड़ी शांति में है ना, लग रहा है ना? वाओ, दिस लाइट्स आर सो ब्यूटीफुल। ये लाइट्स पड़ रही हैं यहाँ पे मंदिर पे सारा यहाँ पे। राधे राधे, नमस्कार मैम, हाउ आर यू? वेरी गुड, एंड यू? राधे राधे, नमस्कार। यू आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओह माय गॉड, थैंक यू। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड आफ्टर कम हियर एंड इट्स माय प्लेजर to come with you guys. Oh, that's really so nice. Great. And are you happy? Yes, a lot. Be careful. Oh yeah, hum yahan teeno baithe aur itni shanti mil rahi hai, bahut zyada peace. Samne kirtan chal rahe hain, bhajan chal rahe hain Krishna ji ke, bhagwan ji ke, aur idhar abhi hum hain aur dekhiye samne piche aur kitna beautiful lag raha hai mandir. Wow, बहुत ज़्यादा थक गए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आए हैं
कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शंस वैरायटी ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा था और कोई यही था, और अभी लेट भी हो गया और यही खुला हुआ है यहाँ पे अभी। ना मुझे बड़ा सही लगा कि अंबिका ने ना मेरा एक नया नाम रखा। अंबिका, व्हाट यू सेड टू मी, माय न्यू नेम? प्रभु शिवम प्यारी। वाह, प्रभु शिवम प्यारी। यार आज से भाई लोग हेल्पिंग हैंड को ही नहीं बोलेगा, बिकॉज़ वी आर द प्यारीज। वी आर द प्यारीज, मतलब हम सब प्यारी हैं, ऐसा ही बोल रही है। इनकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है। तो आज से तुम्हारे भाई का नाम शिवम, प्रभु जी प्यारी। प्यारी, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हाई फाइव, हाई फाइव। सो अभी हम सुबह हो चुकी है और अभी ये आ रही हैं और अभी हम जाएंगे गौशाला। हेलो ब्रो। तो दोस्तों अभी वृंदावन में हम हैं गौशाला में, और मैं भी आपको दिखाता हूँ अंदर सब कैसे गायों को खाना खिलाया जाता है, कैसे सेवा होती है यहाँ पे गाय की। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अंबिका ने सारी चीज़ें देख रखी हैं यहाँ पे और यही हमें गाइड कर रही है एक तरीके से। Babies of cow? Hello cow baby. Ow, ow. Okay. You call them like that. Ow, ow. And you can send kisses. Why not? Bhai, ye naya. Ow, ow. Care because of you. ये डरते नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इन्हें आदत है ना लोगों के साथ रहने की, वो डर जाता है। She also wants love. She's like, I want love. You also want love? Okay, all want love now. देख रहे हो इनका कितना प्यार है हमारी संस्कृति की तरफ, सब चीज की तरफ। This is so special feeling. Yes, cows have like the most I want to ask you one question. Yes. From where you get motivation to come in India? From where you get this motivation to worship Krishna? Please tell to my audience. Well, everything starts in Colombia. Okay. At the age of 14, I decided to become vegetarian by my own because I love animals. Wow. So I went to a restaurant called Govinda's. Okay. It's all over the world. Okay. And there I went inside the temple and they start showing me the Vedic culture, like the Bhagavad Gita. Wow. The Murtis, they opened. Where in Colombia? In Colombia. Wow. They opened this amazing world to me. Hmm. And after that they teach me mantras. Okay. So they teach me the Hare Krishna Maha Mantra. And I just couldn't stop chanting in my mind. Wow. That I have the desire to, you know, go back to this place. So after going like for 1 year, I just decide that I want this in my life. I want to like practice strongly so this in my Krishna life. Krishna changed your life. Suddenly. Krishna changed my life. Yes. Wow. In London, I was living in a temple for 2 years. Wow. And I decided to move to India. And I was living here for 9 years in Vrindavan. So, दोस्तों अभी मेरी कॉफी आई है, beautiful सी कॉफी है। तो ये आलू पराठा है और अंबिका का आया है डोसा। डोसा, मसाला डोसा। मसाला डोसा। Bro, आप क्या खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ आलू पराठा। Oh my God, food blogger. हेलो भैया, माला दे दूँ कमल का? दोस्तों हम वृंदावन की उन गलियों में घूम रहे हैं जहाँ कृष्ण जी घूमा करते थे बचपन में अपने, और अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर, कृष्णा ड्रेसेस। आइए आइए, गेट से इधर आइए।
तो दोस्तों सब अपने अपने घर जा चुके हैं और मैं भी अपने फाइनली अब घर जा रहा हूँ। मैंने गाड़ी रोकी, अब नारियल पानी पीऊंगा मैं। और तो व्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, अंबिका कैसी लगी, ओल्ड लोग कैसे लगे और उनका लाइफस्टाइल आपको कैसा लगा और कैसा लगा कि उनका प्यार हमारे देश को लेके, हमारी संस्कृति को लेके, हमारे भगवान जी को लेके, सब चीज़ों को ले कितना ज़्यादा है और आपका क्या रिएक्शन इस चीज़ पर। और ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं मेरे डिफरेंट कंट्रीज के। एंड थैंक यू, इस प्यार को बनाए रखें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, टेक केयर, बाय।